Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग इतिहास के जो इंटरडिसिप्लिनरी रुझान स्वतंत्रोत्तर भारत में देखने को मिलता है उसकी बाबत चर्चा करेंगे। और ये जो इतिहास का अपने पड़ोसी विषयों के साथ संवाद हुआ उससे इतिहास लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह की नई बातें, नए सवाल, नए साक्ष्य हमारे सामने आए, नई पद्धतियां हमारे सामने आई, इस बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें भी खास तौर से हम लोग इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी का जो संबंध रहा है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, जब हम लोग सबाल्टर्न स्टडीज़ के इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इतिहासकार 1970 और 1980 के दशक में नए कलेवर के साथ औपनिवेशिक समाज की औपनिवेशिक काल में इतिहास की बात कर रहे हैं, उनके तर्क एक नवीन आधार को लेकर हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो आज 50-60 साल के बाद सुनने में उतना नया नहीं लगे, लेकिन 1970-1980 के दशक में यह बहुत ताज़ा था, इसको लेकर अनेक बहस हो रहे थे, इसके मीमांसात्मक पहलुओं को लेकर बहस हो रहे थे, इतिहास के जो पुराने सवाल थे उसके आधार पर लोग पक्ष और विपक्ष में नज़र आ रहे थे। तो हमारे लिए ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इतना बड़ा मसला जिसने दशकों तक और जिसके दूरगामी प्रभाव हुए वह किस तरह से भारतीय इतिहास लेखन को प्रभावित कर रहा था। और एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करेंगे, खासकर जिस संदर्भ में हम अभी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लेखन हुआ उस संदर्भ में, तो यहाँ संक्षेप में यह बताना जरूरी लगता है कि भारत में एंथ्रोपोलॉजी खासकर 1950 के दशक के बाद से का वही स्वरूप नहीं रहा जो कि विश्व के दूसरे हिस्सों में रहा। यहाँ जैसे कि उदाहरण ने M.N. श्रीनिवास का, जो इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करने के बाद भारत आते हैं और 50 के दशक के शुरुआत में, और अन्य जो समाज है जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर कबीलाई समुदाय की तरफ रुख करते नज़र आते हैं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में या बाद में भी,
हम यह देखते हैं कि MN श्रीनिवास कृषक समुदाय की तरफ रुख करते हैं और कर्नाटक में ही मैसूर में जहां वे रह रहे थे वहीं पास के गांव में वे फील्ड वर्क शुरू करते हैं। तो कबीलाई समाज के बदले कृषक समाज में जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रवेश करता है तो इसके बहुत मानीखेज प्रभाव होते हैं। वहाँ जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी पिछले 200 साल में यूरोप में विकसित हुआ, जहाँ पिछड़े समाज का अध्ययन इसलिए ज़रूरी था कि उससे यूरोपीय समाज अपने अतीत के, अपने विकास के चरणों को बेहतर ढंग से समझ सके, वह एक सभ्यता मूलक विमर्श था। लेकिन यहाँ किसी अन्य समाज के बजाय MN श्रीनिवास अपने परिचित कृषक समुदाय की तरफ उसका अध्ययन करते हैं। और MN श्रीनिवास अकेले नहीं हैं, 1950 का दशक अनेक कारणों से ग्राम समाज कृषक समुदाय के ऊपर केंद्रित अनेकानेक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का साक्षी रहा। जवाहरलाल नेहरू के सपनों के भारत में यहाँ प्रगति के कारकों को समझने के लिए गांव के पिछड़ेपन को समझना जरूरी था, गांव के सामाजिक सरोकारों को समझना जरूरी था। और इस कारण से हम देखते हैं दक्षिण से लेकर उत्तर तक, चाहे वे MN श्रीनिवास हों या फिर SC दुबे हों, ये गांव के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन और यह सिलसिला चलता रहा अगले कुछ दशकों तक। लेकिन भारत में जिस तरह से ग्राम समाज का अध्ययन विकसित हुआ, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट अध्ययन कर रहे थे, वहाँ एक महत्वपूर्ण उसकी सीमा कहें, उसकी प्रकृति कहें, वह यह कि वहाँ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर काफ़ी बोलबाला था। अर्थात समाज या संरचना किस तरह से व्यवहार करती है, उस व्यवहार को, उस समाज का अवलोकन कर, उस व्यवहार का अवलोकन कर, उस समय में, उस तत्काल के समय में उसका अवलोकन कर ज्ञान के सिद्धांत, कुछ स्थापनाएं गढ़ी जाएं। यहाँ ये जो समाज का फंक्शनल एस्पेक्ट है यह अतीत से कटा हुआ नजर आता है। इतिहास को लेकर इसी कारण से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच एक अजीब सा लापरवाही कहें या एक तल्ख की भावना हम पाते हैं। उन्हें वर्तमान की समस्या को समझने के लिए इतिहास की कतई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो अतीत से कटा हुआ यह जो वर्तमान था यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या या एक सीमा के रूप में हम बात की, जब
बाद के समय में, आज जब हम 1950-1960 के इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को देखते हैं, तो आज हम यह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो इतिहास का जिस तरह से अध्ययन किया जा रहा था और जिसके बारे में हम पहले विस्तार से बात कर चुके हैं, 1920-1930 के बाद से जिस तरह से इतिहास ने संस्थानात्मक स्वरूप अख्तियार किया भारत में, वहाँ वर्तमान से कोई सरोकार नहीं नज़र आता है। अर्थात इतिहासकार अपने अतीत के विषय को वर्तमान से काट कर देख रहे थे और दूसरी तरफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने वर्तमान के विषयों को अतीत से काट कर देख रहे थे। किसी किस्म का संवाद हमारे सामने नहीं दिखता है। लेकिन इसी के बीच, इसी मंजर के बीच, हम कुछ ऐसे हस्तक्षेप भी पाते हैं जिन्होंने इतिहास को देखने के हमारे रवैये को नई दिशा दी। और इसमें से एक उदाहरण जिसका मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा वे हैं बर्नार्ड कोहन। और ये जो नया रुख, नया रवैया देने की बात है इतिहास लेखन की, जो प्रवृत्तियाँ जिस तरह से बदली हैं, वह हमारे इस पूरे लेक्चर श्रृंखला के केंद्र में है, जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ। तो यहाँ जब हम इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, यहाँ तथ्य या जानकारियों को लेकर हमारा ध्यान उतना एकाग्र नहीं है जितना कि इतिहास के क्षेत्र में क्या व्यापक बदलाव आ रहे हैं, क्या व्यापक उनके रुझान, जो व्यापक रुझान हैं वो क्या हैं, जिसने इतिहास पढ़ने को, इतिहास को देखने के हमारे नज़रिए को प्रभावित किया। तो जब हम उस व्यापक प्रवृत्ति की बात करें तो वहाँ बर्नार्ड कोहन सरीखे हस्तक्षेप बहुत अहम भूमिका के रूप में हमारे सामने आते हैं। बर्नार्ड कोहन ने अपने समय के दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तुलना में आर्काइव के महत्व को पहचाना। और यहाँ आर्काइव और फील्ड वर्क का एक अद्भुत तालमेल दिखता है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया कि यदि हमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव का आकलन करना है, औपनिवेशिक राज्य का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसका आकलन करना है, इसकी व्याख्या करना है, तो हमें भारतीय समाज के सबसे अंदरूनी इकाई, गांवों में क्या परिवर्तन आ रहे थे, गांव के समाज में जो उनके सामाजिक संबंध थे उनमें क्या तब्दीलियां आ रही थी, खासकर हम लोग बात कर रहे हैं औपनिवेशिक काल में, तो ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश हुकूमत के कारण किस तरह का परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था समाज के, इसका अध्ययन करना होगा। इन सूक्ष्म स्तर पर जो सामाजिक तानावाना है वह किस तरह से नया रूप ले रहा है, इसका अध्ययन करना होगा। इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फील्ड वर्क और आर्काइवल जानकारी दोनों को इकट्ठा कर और किस तरह से भारतीय समाज परिवर्तनशील रहा, खासकर
ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ, इसको स्थापित किया, जिससे जो जरबत ग्राम समाज की एक रोमांटिक और साम्राज्यवादी अवधारणा थी, जिसने भारतीय समाज को अपरिवर्तनशील मानने की तरफ विमर्श खड़ा किया था, उसका खंडन किया। बाद के दशकों में 1960-1970 के दशकों में इन्होंने इसी जो सत्ता के, ब्रिटिश सत्ता के या समाज में जिस तरह से सत्ता और शक्ति, जो पावर डायनामिक्स होता है, अथॉरिटी का फॉर्मेशन होता है, उसके अलग अलग आयामों को लेकर इन्होंने काम किया, जहां समकालीन समाज के का अवलोकन भी है और आर्काइव की समृद्धि भी है। जैसे इन्होंने 1858 के बाद किस तरह से राजनीति के, सत्ता के नए बिंब उभरे, उसका नया एक भाषा बना अथॉरिटी फॉर्मेशन को लेकर पोस्ट 1857 के फेज़ में, इन्होंने वह जिन संकेतों, जिस व्याकरण के जरिए ब्रिटिश हुकूमत सत्ता कर रही थी, वह भाषा क्या थी, उसमें क्या परिवर्तन आया, वह क्या कुछ नया लेकर भारतीय समाज में आ रही थी, इसके ऊपर काम किया। भारत के समाज में, भारत के इतिहास में, जीवन पद्धति को समझने के लिए कपड़े, ड्रेस जैसे भौतिक जो सब्सटेंस हैं, मटेरियलिटी जिसे आप कह सकते हैं, भौतिकता, जीवन की भौतिकता, उसके क्या मायने हुए, इसको लेकर बहुत अंतर्दृष्टि के साथ हमारे सामने आते हैं। और इस तरह से अनेक ऐसे नए विषय पहली बार इन विषयों पर भारतीय इतिहासकारों का ध्यान गया। और बाद में, जैसे कि हम ड्रेस की बात करें, तो बाद में इस विषय को लेकर दो बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुए। एक तो इमा तार्लो का क्लॉदिंग मैटर्स नाम से एक महत्वपूर्ण किताब आई 1980 के दशक में। दूसरा, एक महत्वपूर्ण इतिहासकार क्रिस्टोफर बेली ने भी इस विषय को लेकर लिखा, जब वो खादी और स्वराज के इतिहास को लेकर अपने कार्य के साथ हमारे सामने आते हैं। तो कहने का मतलब यह कि बर्नार्ड कोहेन के काम से इन्होंने जो इतिहास को अलग अलग चौकठे में देखने की बात थी, कि ये राजनीतिक इतिहास है, ये सामाजिक इतिहास है, ये आर्थिक इतिहास है, उस पर सवालिया निशान उठाए। क्योंकि जब समाज फंक्शन करता है तो वो इन चौकठों में विभक्त होकर तो फंक्शन नहीं करता। तो किस तरह से हम एक विषय से अंतर्दृष्टि लेकर दूसरे विषय की व्याख्या कर सकते हैं, यह बात हमारे सामने बहुत प्रखरता के साथ आई। बाद के दशकों में हम देखते हैं कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी का के साथ जो संबंध है,
इतिहास का। वह जिसकी शुरुआत बर्नार्ड कोहन से हमने अभी इस चर्चा में किया, वह अनेक नए रूप में भी सामने आता है। 1990 के दशक में शाहिद अमीन का मानीखेज हस्तक्षेप चौरी चौरा की घटना को लेकर जब वे इतिहास लिख रहे हैं, जिसे एक तरह से हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जा सकता है, इस तरह के नए शब्दावली भी आए, हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये नए शब्दावली, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि यह पहली बार भारत में ही या भारतीय इतिहासकारों या भारत के संबंध में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उन्हीं के कारण से आया, लेकिन भारत में यह इसके इन शब्दावलियों के एक बृहत्तर जिंदगी रही है। अन्य जगहों पर इनको लेकर, इनके उपयोगिता को लेकर बहस होते रहे पहले भी, लेकिन भारतीय संदर्भों में यह सब पहली बार हो रहा है, और इसलिए यह इतिहास लेखन के हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पर साथ साथ मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूँगा, जिसके बगैर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वह यह कि जब हम स्वतंत्रता के बाद के एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि स्वतंत्रता से पहले भारत के समाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नहीं किया था। दरअसल हमने पहले भी देखा, पहले के लेक्चर्स में, कि 18वीं सदी के बाद से ही, जब अंग्रेज बंगाल में उन्हें दीवानी अधिकार मिला, उसके बाद से जमीन को लेकर उनकी उत्सुकता, भारतीय समाज को जानने को लेकर उनकी उत्सुकता, भू राजस्व को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, इन सब बाबत उनकी चिंताओं ने अनेक बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्मता से किए जाने वाले ऐसे अध्ययनों का सूत्रपात किया, उनको स्वरूपित किया, जिसे आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ कह सकते हैं। भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को बहुत विस्तार से इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इथनोग्राफर्स ने उनका विवरण किया, उनका दस्तावेजीकरण किया, और जो आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। अनेक क्षेत्र विषयों का पहली बार दस्तावेजीकरण हो रहा था। तो ये एक बात हमेशा हमारे अपने जहन में रखनी चाहिए। जैसे देखें, एक उदाहरण मैं दूं, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। फ्रांसिस बुकानन का उदाहरण दें, और इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इथनोग्राफर के अपनी जो जिंदगी रही, उनका जो बौद्धिक सफर रहा, वह बहुत दिलचस्प है। फ्रांसिस बुकानन, उन्होंने बॉटनी की पढ़ाई की थी, और बंगाल में अपनी नियुक्ति के बाद हम पाते हैं उनके लेखन में उन्होंने बंगाल के जिलों, नेपाल और कर्नाटक के इलाकों का बहुत विस्तार से
वॉल्यूमनस अकाउंट, छोटी छोटी बारीकियां, किसी जिले, जिस जिले का वे सर्वेक्षण कर रहे थे वहाँ किस तरह के फल मिलते हैं, किस तरह की सब्जी मिलती है, कितने मछली की कितनी प्रकार हैं, से लेकर कितनी जातियां हैं, उनके आपसी संबंध, उनके धार्मिक व्यवहार, वहाँ की मिट्टी, अनेक वहाँ के लोगों द्वारा प्रयुक्त हो की जाने वाली भाषाएं, उन भाषा के शब्द, उनकी शब्दावली, एक व्यापक रेंज है। इसी तरह ग्रियर्सन है जो बिहार में, बिहार के अनेक सामाजिक पहलुओं को लेकर, भाषाई इतिहास को लेकर जिनका महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा, या फिर रिसले हैं, टेम्पल्टन हैं पंजाब में, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनके विवरणों को लेकर, इनके स्थापनाओं को लेकर हम विवाद कर सकते हैं और हमें उनके प्रति आलोचनात्मक रवैया रखना भी चाहिए किसी भी स्रोत को लेकर, लेकिन इनकी उपयोगिता जो पहली बार इतने व्यापक स्तर पर भारतीय समाज के बारे में जानकारियां इकट्ठा किया जा रहा था, उस उपयोगिता पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। उसके प्रकृति पर, वह क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन जो जानकारियां इकट्ठा की जा रही थी और जिस शिद्दत के साथ, जिस रिगर के साथ, जिस पद्धति के साथ, वह अपने आप में बहुत मानीखेज। तो जब हम स्वतंत्रता के बाद के एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं और इतिहास में उसके सरोकार को देखते हैं, तो हमें यह व्यापक संदर्भ भी हमारे सामने, हमें अपने जेहन में रखना होगा। अब यहाँ एक दूसरा सवाल है कि इतिहास को एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत क्यों है, या दूसरे विषयों की जरूरत, दूसरे विषयों के साथ संवाद करने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ देखें कि इतिहास जो औपनिवेशिक आर्काइव के ऊपर केंद्रित निर्भर रहा, उन सरकारी दस्तावेजों में जो इन आर्काइव्स के में सुरक्षित हैं और जिन्हें पढ़कर इतिहासकार औपनिवेशिक समाज की समझ हमारे सामने लाते हैं, गढ़ते हैं उस समय को, उस काल के उत्स को, वहाँ समाज अपने सामान्य रोजमर्रा की दैनिक जीवन में बहुत कम मिलता है उन दस्तावेजों में। जब कोई घटना घटी, उस घटना को लेकर सरकारी फाइल बने, तफ्तीश शुरू हुई, कोई झगड़ा झंझट हुआ, FIR लॉज हुआ, मुकदमे चले, कोई नीति का निर्धारण करना हुआ, उसके लिए फाइल बना, तो इन स्पेसिफिक मोमेंट में, इन घटनाओं के समय कॉलोनियल आर्काइव दस्तावेज के साथ समाज की बात उजागर करता है। यह विशिष्ट समय की बात यहां दर्ज है, लेकिन उन
खास समय के टुकड़ों के बाहर जो दैनिक जिंदगी है, जो सामाजिक सरोकार हैं, ऐसे सरोकार जो औपनिवेशिक राज्य के सरोकार नहीं रहे, जिनसे उनका सीधा सीधा कोई लेना देना न था, उन रोजमर्रा के लम्हों में समाज किस तरह से व्यवहार करता है, उसके अध्ययन के लिए इतिहासकारों के पास अधिक विकल्प नहीं थे। और इस कारण से इस रोजमर्रा की जिंदगी और इनका सामाजिक इतिहास में अहम भूमिका है, जिसके बारे में हम लोग आगे जब सामाजिक इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो लम्हे हैं, ये ऑर्डिनरी मोमेंट्स, उनको, उनकी संश्लिष्टताओं को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण जरिया रहा। दूसरी तरफ देखें तो भारत एक ऐसा समाज रहा जहां औपनिवेशिक काल में साक्षरता दर बहुत कम रही। ऐसे में जब समाज का एक बड़ा हिस्सा लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, तो जाहिर सी बात है कि आर्काइव के दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज में वह क्या सोचता था किसी विषय को लेकर, उसके क्या परसेप्शंस थे, उसके सब्जेक्टिविटीज, यह हमें सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिल सकता, जिसे इतिहासकारों ने बाद के समय में कहा कि इस निरक्षर, व्यापक रूप से निरक्षर समाज का इतिहास जब हमें लिखना है, हिस्ट्री ऑफ अनलेटर्ड अंग्रेजी में जिसे एक इतिहासकार ने कहा, तो हमें उन लिखित दस्तावेजों के बाहर जाना होगा। समाज किस तरह से सांस लेता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उसका नज़दीक से अवलोकन करना होगा और फिर उस नज़दीकी अवलोकन के साथ उन फील्ड नोट्स को आर्काइवल नोट्स के साथ मिलाकर, एक दूसरे के समक्ष रखकर हमें अपनी मान्यताओं को, अपने फाइंडिंग्स को गढ़ना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे पदावली जो या कैटेगरीज जो इन सरकारी फाइल में के जरिए हमारे सामने आते हैं और इतिहास के पन्नों में जगह पाते हैं, जरूरी नहीं है कि समाज भी उन कैटेगरीज का, उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो। इनमें से कई ऐसे शब्द जो दरअसल शासन के शब्द रहे, और प्रशासन की यह भाषा और समाज की भाषा, ये दोनों असंपृक्त न भी माना जाए, एक दूसरे से आइसोलेटेड न भी माना जाए, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर तो होगा, और उस अंतर को पाटने के लिए, अपनी समझ को पैना करने के लिए अतीत के बारे में हमें जो समाज जिस तरह से शब्द गढ़ता है अपने आम जिंदगी के लिए,
उसकी तरफ भी जाना होगा, उसके खुलेपन, उन शब्दों के, उस भाषा के जिसमें वह अपनी ज्ञान वांग्मय को रचता है उसको देखना होगा, उसकी समझ के साथ संवाद करना होगा। और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और ये जो समाज को उसकी सामान्य लम्हों में देखने की बात है, वो इसलिए भी जरूरी है कि जब हम एक सरकारी दस्तावेज के जरिए किसी समाज की जिंदगी में प्रवेश करते हैं, उस कालखंड का इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास में या दूसरे भी समाज विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी को बहुत तरजीह दी गई है, आज भी दी जाती है। और वहाँ एक उद्देश्य होता है कि एक ऐसी भाषा में व्याख्या करना जो यूनिवर्सल हो, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो अतीत हम व्याख्यायित कर रहे हैं वह अतीत किसका है, वह इतिहास किस समाज, किस आदमी के कंधे पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा कि जो भी इतिहास हम लिखें वह अंततः किसी व्यक्ति का इतिहास तो होना चाहिए, किसी व्यक्ति का अतीत तो हो। हर हिस्ट्री के पीछे उसको धारण करने वाला कोई देह तो हो, कोई मानव देह तो हो। तो यहां उस एक जनरलाइजेशन से के साथ साथ उसका नज़रअंदाज नहीं है, उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा है। देखिए, जब इतिहास की बात हम करते हैं तो यहाँ मैं साथ साथ बताता चलूँ कि किसी घटना का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, लेकिन उससे कुछ सामान्यीकरण वाले स्थापनाओं को हम सामने रखते हैं। कुछ ज्ञान का वह सामान्यीकरण होता है जो उस समय को लेकर हमारी समझ में बढ़ोतरी करे, लेकिन अक्सर हम इस सामान्यीकरण के उत्साह में यह भूल जाते हैं कि हर सामान्यीकरण के पीछे उसके आधार के रूप में किसी न किसी मानवीय देह की बात, उसकी स्मृति, उसका जीवन, अतीत के किसी खास लम्हों में वह किस तरह से व्यवहार कर रहा था, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज या इतिहास कोई वैक्यूम में तो फंक्शन करता नहीं। तो यहां अतीत के किरदारों की बात है, जहां आप समाज के सबसे आधारभूत इकाई मनुष्य,
उसकी सब्जेक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। और यह जो अंतर्दृष्टि है, यह कोई किसी एक इतिहासकार या एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कारण या किसी एक विषय के साथ इतिहास के संवाद से ही नहीं आ जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, बौद्धिक विमर्श स्कॉलरशिप की एक लंबी प्रक्रिया के होकर गुजरते हुए हम इस तरह के मानवीय संवेदनाओं के साथ इतिहास का अध्ययन करने लगते हैं। और इस कारण से भी ये जो अनुशासन की सीमाएं हैं, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं, जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब अनुशासन हीनता नहीं है, नॉन डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास के अनुशासन के दायरे में रहते हुए उसकी अहमियत को समझते हुए हम दूसरे विषयों के साथ इतिहास के संवाद की बात करते हैं। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि इसकी एक अहमियत तो जो इससे आर्काइव सरकारी दस्तावेजों की जो सीमाएं हैं वह खुलकर हमारे सामने आई, उनको किस तरह से नए तरीके से पढ़ा जाए वह बात आया। लेकिन साथ साथ जो औपनिवेशिक इतिहास के लेखन में लिखित दस्तावेजों की पर जो निर्भरता थी उसको भी अब चुनौती दिया जा रहा था। वैकल्पिक आर्काइव, वैकल्पिक साक्ष्य की बात हो रही थी। यहाँ खास तौर से जो ओरल हिस्ट्री, ओरल टेस्टिमनीज की बात, जिस पर और हम विस्तार से दूसरे लेक्चर में देखेंगे उसकी अहमियत को, लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में ही एक तीसरे किस्म के आर्काइव की तरफ भी ध्यान खींचूंगा। सिनेमा की बात हम इस लेक्चर सीरीज़ में करेंगे जब विभाजन और सिनेमा के बीच के इतिहास की बात करेंगे। लेकिन सिनेमा के साथ और ओरल साक्ष्यों के साथ एक जो तीसरा महत्वपूर्ण आर्काइव है जिसकी तरफ 1980 के दशक के बाद, लेकिन विशेष तौर से 1990 और 2000 पिछले एक दो दशकों में इतिहासकारों ने अधिक ध्यान दिया, वह है दृश्य आर्काइव, पिक्टोरियल आर्काइव। जब यूरोप में 19वीं सदी के चौथे दशक से कैमरा की तकनीकी आई और बहुत जल्दी कैमरा फोटोग्राफी यूरोप से उपनिवेशों में इनका आना हुआ। और इसके बाद हम 1850 के दशक से उत्तरोत्तर पाते हैं कि समय के दस्तावेजीकरण सामाजिक
घटनाओं के दस्तावेजीकरण से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक पहलुओं को लेकर फोटोग्राफी एक बहुत समृद्ध आर्काइव का निर्माण करता है। इसी के साथ साथ यह जो 1850-1860 के बाद का जो दशक जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ प्रिंटिंग के नए तकनीकी आ रहे थे, लिथोग्राफी, बहुत सस्ते मूल्य में देवी देवताओं के चित्र घरों में प्रवेश कर रहे थे, घरों की दीवारों के को एक तरह से पवित्र कर रहे थे, उनको एक नए तरह का एस्थेटिक स्वरूप दे रहे थे। लोग महज मूर्तियों को ही पूजा नहीं कर रहे थे, वरन इन कैलेंडर में व्यक्त देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे थे। इस नए छोटे शहर कस्बों में दूर दूर तक स्टूडियोज खुल रहे थे, जहां लोग अपना फोटो खिंचवा रहे थे। औपनिवेशिक राज्य इन फोटो की मदद ले रहा था, पासपोर्ट और अनेक तमाम तरह के दस्तावेजों में फोटो पहचान की सबसे प्रमाणिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, और उत्तरोत्तर यह जो रुझान है बढ़ता ही चला गया। तो ये जो समय को दर्ज करके, समय को कैमरे में फ्रीज करने की बात है, इससे जो एक आर्काइव खुलता है, इस आर्काइव की तरफ इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा, और इससे भी जो लिखित सरकारी दस्तावेज को लेकर इतिहास की निर्भरता थी वह बहुत कम हुई। यहाँ जो साथी अधिक पढ़ना चाहें उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रिस्टोफर पिनी, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके लिखे किताबों को जरूर पढ़ें। और इस जो दृश्य जगत की पेचीदगियां हैं, वह कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित कर रही थी, उसकी क्या अहमियत है जब हम सामाजिक इतिहास की बात करते हैं, राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं, इस बारे में अन्य इतिहासकारों ने भी लिखा है। किस तरह से नए प्रतीक चिन्ह, नए आइकन हमारे सामने आ रहे हैं, राष्ट्र को नए तरह से इमेजिन किया जा रहा है, भारत माता की छवियां हमारे सामने हैं, इनका इतिहास क्या हो, यह जो पवित्रता की, यह जो धार्मिकता और राष्ट्रवाद के बीच का जो संबंध है, जहां राष्ट्र एक पवित्र इकाई के रूप में अपने नागरिकों के सामने आता है, उसका इतिहास किस तरह का रहा, इस बाबत इतिहासकारों ने इस अंतर
इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेते हुए हमारी समझ को मजबूत किया है, मुकम्मल किया है। यही वह काल भी रहा 1970-1980 के दशक का, जहां वैश्विक स्तर पर सोशल साइंस में कहा जाता है भाषाई मोड़ आया, और इस भाषाई मोड़ का मतलब यह कि जो सत्य की अभिव्यक्ति होती है वह स्वतः ही ज्ञान के माध्यमों में नहीं होती। इतिहास या कोई भी ज्ञान विज्ञान का जो अंग है वहाँ हम इस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। तो सत्य की ये जो भाषाई निमित्तियाँ हैं वह किस प्रकार से हमारी समझ को, अतीत को के प्रति हमारी समझ को प्रभावित करता है, स्वरूपित करता है। शब्दों के अर्थ किस तरह से तरलता लिए होते हैं वह कोई यूनिवर्सल अर्थ में नहीं होता है। एक ही शब्द अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ उसका हो जाता है। इन सब बातों की तरफ इतिहास संज्ञान ले रहा था। अब यह इसलिए भी जरूरी है कि जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा तबका जो लिखना नहीं जानता था, तो वहाँ जब शब्दों का व्यवहार हो रहा है मौखिक रूप में, तो जाहिर सी बात है कि भारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर 5 कोस पर भाषा बदल जाता है, तो भाषा के साथ साथ उस समाज का अनुभव भी बदलता है, उसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। फिर हम जब समाज की बात करते हैं तो कोई समाज एकीकृत तो है नहीं, उसके अपने अंदरूनी परतें हैं, हायरार्कीज हैं, असमानताएं हैं। इन सब का सीधा सीधा संबंध ज्ञान के अभिव्यक्ति के माध्यमों से जुड़ जाता है, और यहाँ फिर जो भाषाई निर्मितियों की बात है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण इतिहास, और दूसरी तरफ जो जैसा मैंने पहले कहा कि औपनिवेशिक आर्काइव की सीमाएं हैं, जहां समाज की दैनिक संवेदनाएं नहीं हैं, उसकी तरफ भी उसके साथ संवाद, उसको अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से भी इतिहासकारों ने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों की अहमियत को स्वीकार करना शुरू किया। और साहित्य किस प्रकार से इतिहास की समझ को इजाफा करने में मददगार साबित हो सकता है, इस बात को एक्नॉलेज डिसिप्लिनरी स्तर पर
अब किया जाने लगा। और 1980 और 1990 के दशक में तो इसकी संश्लिष्टताएं नए आयाम स्थापित कर रही थी। अनेक जो नए मेथड्स सोशियोलिंग्विस्टिक्स के हुए उनको लेकर इतिहासकार कार्य कर रहे थे, सिमियोटिक्स को लेकर जो शब्दों के अर्थ से जुड़ा होता है, प्रतीकों के अर्थ से जुड़ा होता है, इन सब से अंतर्दृष्टियां ले रहे थे। यहां जब हम लिखित दस्तावेज के दायरे से बाहर निकलते हैं तो इतिहासकारों ने इतिहास के सामग्री के तौर पर जो ट्रूथफुल अकाउंट प्रामाणिकता की बात थी वहां से भी एक कदम आगे निकलकर मिथकों अफवाहों की भूमिका कैसे होती है समाज में उसकी तरफ, मिथकों का जो संसार है वह कैसे सोशल स्टीरियोटाइप्स को जन्म देता है उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसके राजनीतिक पहलू कैसे हुए, इन सब की तरफ इतिहासकार का ध्यान अब जा रहा था। और जिसके बारे में सबाल्टर्न स्टडीज पर जो हम बात कर रहे हैं उस लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र किया। और जब हम इस तरह से डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज जब पोरस हो रहे हैं, वो तरलता अख्तियार कर रहे हैं, तो यहाँ भारतीय समाज की अनेक विशिष्टताएं, जैसे धार्मिकता का बात है, रंजीत गुहा ने संथाल विद्रोह के इतिहास को लिखते हुए हमारे सामने संथाल आदिवासियों की धार्मिकता, उनके विश्वास, जिस विश्वास के सहारे वे अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो रहे थे लेकिन सामना कर रहे थे, उस विश्वास की बात की है, उस धार्मिकता की बात की है। तो यह कह देना कि ये संथाल अंधविश्वासी थे, इनका रिवोल्ट स्पॉन्टेनियस था, इनमें ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी नहीं थी, इस सब जो पुराने पूर्वाग्रही जो इतिहास लेखन थे उनका रंजीत गुहा खंडन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जब हम एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स से अंतर्दृष्टि लेते हैं तो इसके जरिए भारतीय इतिहास की विशिष्टताएं, यहाँ के जीवन की विशिष्टताओं के साथ हम इतिहास की रचना कर सकते हैं। आज का यह लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन इस लेक्चर की प्रतिध्वनियाँ, इसके तार आप बाकी अन्य लेक्चर्स में भी पाएंगे, खासतौर से जब हम सामाजिक इतिहास की बात करेंगे, जब हम इतिहास के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ओरल हिस्ट्री की बात करेंगे, या जब हम सबाल्टर्न स्टडीज़ की बात करते हैं, विभाजन के इतिहास की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर के तार वहाँ आपको
जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ नमस्कार।